अस्सलाम वालेकुम एंड गुड एंड टॉक फ्रॉम जर्मनी। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल और आप लोगों की जिंदगी बहुत मजे और सुकून से गुजर रही होगी। एज आई प्रॉमिस, मैं नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। वीडियो के पहले हिस्से में मैंने नेचुरलाइजेशन के इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसकी 5 बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात की थी। इसके अलावा इस प्रोसेस रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी गई थी। आज की वीडियो में मैं खसूसन इस प्रोसेस के एडवांटेजेस और इससे रिलेटेड स्पेशल केसेस के बारे में बात करूंगी। इसके साथ इस प्रोसेस की फ़ी और जर्मन आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट की एप्लीकेशन के बारे में भी डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेजेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। एज आई हैव मेंशन्ड सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोसेस इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो, जिसमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ एज अ जर्मन सिटीजनशिप, नो डेपुटेशन एंड नो विजिट ऑफ इमिग्रेशन ऑफिस सहरफहरिस्त हैं। इसके अलावा मैंने फैमिली रीयूनियन के बारे में भी डिस्कस किया था कि इस प्रोसेस के बाद आप अपनी फैमिली को आसानी से जर्मनी ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं 6 और ऐसे बेनिफिट्स शेयर करूंगी जो इस प्रोसेस की वजह से आपको मिल सकते हैं। तो नंबर 1 पे बात करते हैं इजी लोन्स की। नेचुरलाइजेशन के बाद अब आप इधर मेजर परचेजेस आराम से कर सकते हैं, जिसमें घर और अपार्टमेंट्स वगैरह शामिल हैं। इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए या किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए अब आपको बैंक से लोन आसान शराइत पे मिल सकेगा। नंबर 2 पे बात करते हैं ट्रैवल के बारे में। एज ऑफ जनवरी 2022 जर्मन सिटीजन्स हैड फ्री वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल एसेस टू 190 कंट्रीज, विच रैंक जर्मनी एज सेकेंड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट आफ्टर जापान अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। जिसका मतलब है कि अब आप तकरीबन सारे ममालिक में बिना किसी रुकावट के जा सकते हैं, जिसमें आपका अपना होमलैंड भी शामिल है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं ट्रैवल अब्रॉड फॉर इनडेफिनेट पीरियड। ये पॉइंट भी सेकंड पॉइंट से ही रिलेटेड है, जिसमें अब आपके पास किसी टाइम लिमिट की कैद नहीं है। अब आप अपनी मर्जी से जर्मनी बाहर 6 मंथ से ज़ायद का अरसा गुजार सकते हैं, वो भी किसी इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के अप्रूवल के बगैर, क्योंकि अब आपको किसी इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 पे बात करते हैं अब्रॉड एमिग्रेशन की। जर्मन पासपोर्ट के बाद अब आप किसी भी और मुल्क में एमिग्रेट कर सकते हैं और ऐसा करने से आपकी सिटीजनशिप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 5 पॉइंट इज जर्मन सिटीजनशिप इज़ नॉट बाउंडेड। एक दफ़ा जर्मन सिटीजनशिप हासिल करने के बाद आप किसी और चीज़ के साथ बाउंड नहीं हैं, जिसका मतलब है कि आपकी पढ़ाई, जॉब, ट्रेनिंग या मैरिज ख़त्म होने का आपकी सिटीजनशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सो वंस अ जर्मन ऑलवेज अ जर्मन। लास्ट में बात करते हैं यूरोपीय यूनियन सिटीजनशिप के बारे में। जर्मन सिटीजनशिप के साथ ही आप ईयू सिटीजन भी बन गए हैं, विच मींस अब आपके हकूक और फ़राइज एक ईयू सिटीजन जैसे भी हैं और ईयू लॉ की पासदारी करना अब आप पे फ़र्ज है। ये तो हो गए जी जर्मन सिटीजनशिप और जर्मन पासपोर्ट हासिल करने के 6 मेन बेनिफिट्स। इसके अलावा अब आप अपना फ्यूचर बेहतर तरीके से सिक्योर कर सकते हैं और इस प्रोसेस के बाद आपके लिए बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक काम आसान हो जाएंगे। वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में अब मैं बात करूंगी स्पेशल केसेस के बारे में। If you find my video useful till now, then please like and subscribe my channel and click the bell icon button for further notification. वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने जनरल रिक्वायरमेंट्स डिस्कस किए थे, जो कि मैंने जर्मन लॉ के सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक बयान की थी, जिसमें 8 साल का अरसा मेंशन किया गया था। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें यह अरसा कम हो के 3 साल, 6 साल और 7 साल रह जाते हैं। तो चलें नज़र डालते हैं इन केसेस पर। If you missed the first part of naturalization process video, then please check the link below in the description box. Number 1 पे बात करते हैं naturalization after 7 years की। अगर आप 7 साल से legally इधर रह रहे हैं और financially integrated भी हैं,
और इसके साथ आपके पास ओल्ड एज बेनिफिट प्रोविज़न का प्रूफ भी है, जो कि टैक्स की ही एक फॉर्म है। इसके अलावा आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी क्लियर है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने इंटीग्रेशन कोर्स पास किया हुआ है, तो आपके लिए 8 साल का टाइम पीरियड कम रह के 7 साल रह जाएगा। स्पेशल केस नंबर 2 में बात करते हैं नेचुरलाइजेशन प्रोसेस आफ्टर 6 ईयर्स की। 6 साल के बाद अगर आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके भी कमोबेश वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो नेचुरलाइजेशन आफ्टर 7 ईयर्स के हैं, जिसमें फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, क्लियर क्रिमिनल रिकॉर्ड और प्रूफ ऑफ ओल्ड एज टैक्सेस शामिल हैं। लेकिन एक चीज़ जो पिछले केस से मुख्तलिफ है वो है इंटीग्रेशन टेस्ट रिक्वायरमेंट की। In order to get German citizenship after 6 years, you must be particularly well integrated. आमतौर पर 8 साल के प्रोसेस के लिए आपको B1 लेवल रिक्वायर्ड है, लेकिन वेल इंटीग्रेशन को शो करने के लिए आपको B2 लेवल अच्छे ग्रेड्स के साथ शो करना होगा। इसके साथ साथ आपको 6 साल की गुड परफॉर्मेंस का प्रूफ भी देना होगा, which may include good academic performance, good performance during professional related training, good educational background and volunteer activities in NGOs. अगर आप B2 लैंग्वेज और 6 साल की अच्छी परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं तो आपका टाइम 8 साल से कम रहकर 6 साल हो जाएगा। और लास्ट स्पेशल केस में मैं बात करूंगी नेचुरलाइजेशन आफ्टर 3 इयर्स के बारे में। अगर आप 3 साल से जर्मनी में रह रहे हैं और आपकी शादी या पार्टनरशिप किसी जर्मन सिटीजन के साथ है, तो आपके लिए टाइम पीरियड 8 साल से कम रह के 3 साल का रह जाएगा। लेकिन आपको अपनी शादी या पार्टनरशिप का 2 साल का अरसा प्रूफ करना है, जिसका मतलब है कि आप अपनी शादी या पार्टनरशिप जर्मनी में रजिस्टर होने के 2 साल तक का वेट करेंगे। इसके अलावा इस केस में भी बाकी जनरल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी, जिसमें इंटीग्रेशन टेस्ट, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन और टैक्सेस का प्रूफ शामिल है। ये तो हो गए जी स्पेशल केसेस। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर जर्मन सिटीजनशिप के बारे में। वंस यू हैव अप्लाइड फॉर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस आफ्टर मीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स, यू विल गेट अ नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट। Based on this certificate, now you are eligible for application of German identity card and passport. आपको अपना सर्टिफिकेट रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सबमिट करवाना है, जिसको जर्मन लैंग्वेज में Einwohner Melde Amt कहते हैं, जिसके कुछ वीक के अंदर अंदर आपको जर्मन आईडी कार्ड और पासपोर्ट मिल जाएगा। ये तो होगी जी इन्फॉर्मेशन जर्मन सिटीजनशिप की एप्लीकेशन के बारे में। इसके बाद आज की इस वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं बात करूंगी नेचुरलाइजेशन प्रोसेस की फीस के बारे में। नेचुरलाइजेशन फी डिक्लेयर्ड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर एडल्ट्स इज 255 यूरोस, एंड इफ इन बाय एनी केस यू नीड टू विदड्रॉ योर केस बिफोर द इशू ऑफ सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा 25 यूरोस विल बी चार्ज। ये तो थी जी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर मैनी पीपल हु वॉन्ट टू अप्लाई फॉर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस इन जर्मनी। Do let me know about your valuable feedback in the comment section and don't forget to subscribe my channel. Hopefully, aap logon se mulaqat hoti hai next video mein ek naye topic ke saath. Till then, Allah Hafiz.